कल गोपालगंज में माँ के दर्शन के उपरांत चूँकि काफ़ी संख्या में भीड़ आ गई थी, पिछली बार की तुलना में करीब 2.5 गुना भीड़ आ गई थी, ट्रेन से भी बाहर से लोग आ रहे थे। इस क्रम में भीड़ के दौरान ही एक बच्चा गिर गया, उनको बचाने के क्रम में दो महिलाएं गिर गई, कुछ और लोग भी गिर गए थे जो इंजर्ड थे, सभी को अस्पताल लाया गया जिसमें कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक बच्चा और 2 वृद्ध महिला थी जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी। इसमें कई 10 अन्य लोग भी जीवन जोर थे, उनका इलाज कराया गया और सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके उपरांत अभी हम लोगों ने मैंने एसपी साहब ने और पूरी प्रशासन की टीम ने अभी सभी पूजा समिति के साथ हम लोगों ने बैठक किया है। बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। एक तो डीजे पे पहले से भी प्रतिबंध था, कुछ लोग साउंड बॉक्स बजा रहे थे, हम लोग सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि उसको हम लोग नहीं बजाएंगे, क्योंकि भीड़ के सिचुएशन में कई बार साउंड पता नहीं चलता है, तो चोंगा से लोग चोंगा का यूज़ करेंगे। दूसरा कि सड़कें चौड़ी हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी दुकानें आकर के उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, जैसे बैलून है, शाट है, उपचा है, इन लोगों को हम लोग पंडाल से दूर एक जगह दे रहे हैं जहाँ के लोग रोजी रोटी अपना कर सकें और आम लोगों को भी भोजन उपलब्ध हो सके। तीसरा, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, हेल्पलाइन नंबर को हम पुनः एक्सेस कर रहे हैं और अस्पताल, सदर अस्पताल हमारा बगल में है, तो यदि किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो हम सदर अस्पताल में ही एक कमरा हमने चिन्हित कराया है जहाँ की लोग वहाँ के अपने बच्चे को कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ हम अपनी टीम को लगा रहे हैं। चौथा कि वॉलंटियर को बैज लगाने का पहले से भी निर्देश था, तो वॉलंटियर सब भी बैज लगा करके ही रहेंगे। एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के बच्चों को कुछ जगहों पे हम लोगों ने इस ड्यूटी में लगाया था, लेकिन अब अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग इसमें लगाएंगे। और एक बड़ा निर्णय जो कि हम लोगों ने लिया है कि रूट चार्ट को हम लोग स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं कि जितने लोग भी यदि स्टेशन से आ रहे हैं तो स्टेशन से वो आ करके कौशल्या चौक से होके अम्बेडकर चौक आएंगे और अम्बेडकर चौक से जो अरार मोड़ की तरफ जाने में लोगों को 3 ऑप्शन मिलेगा, या तो सीधा अरार मोड़ की तरफ निकल जाए, जिनको राजा दल का दर्शन करना है वो राजा दल का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे और फिर स्टेशन के बगल से होते हुए कौशल्या चौक से वो टाउन में इन कर सकते हैं। तीसरा कि जो अस्पताल से आगे बढ़ेंगे तो जिनको और मूर्तियों का दर्शन करना है वे छात्र दल ये घोष मोड़ से हॉस्पिटल घोष मोड़ से थाना चौक जाने में जो रास्ता है उस रास्ते से जाएंगे। इसमें जो घोष मोड़ से थाना चौक जाने वाला रास्ता है वो भी स्ट्रिक्टली वन वे है, जिसमें कि सिर्फ घोष मोड़ से थाना चौक की तरफ लोग जा सकते हैं। दूसरा, अंबेडकर चौक से अरार मोड़ की तरफ जो जाने वाले हमारे रास्ता हैं ये भी हम लोग घोष मोड़ तक वन वे ही रखेंगे, यानी लोगों को राजा दल की तरफ जाना हो तो राजा दल की तरफ जाएंगे, या यदि उनको छात्र दल की तरफ जाना हो तो वहाँ जाएंगे, या आरआर की तरफ जाना हो तो वहाँ जाएंगे। इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है। जानकारी मिली है कि जगह जगह पे लोग भंडारा कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि वो खुले मैदान में करें ताकि आम लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, उन्हें भी असुविधा नहीं हो। तो ये कुछ निर्णय हम लोगों ने लिया है, पूजा समिति के साथ बैठ करके निर्णय लिया है। इसको हादसा उसकी जांच के लिए भी कोई टीम बनाएंगे? उसकी जांच के लिए हम टीम बना रहे हैं। अभी तक के विजुअल से ये सामान्य रश लग रहा था, एक जनरल क्राउड लग रहा था, लेकिन हमने एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक हमने कमेटी बनाया है जो कि इसमें डिटेल रिपोर्ट देंगे। मेला को लेकर कुछ टाइमिंग भी है सर या फिर? नहीं, मेला हमेशा खुला है। टाइमिंग को हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है ताकि आम लोगों को ये नहीं लगे कि अचानक ही भीड़ आ जाए कि हमारा मेला बंद हो जाएगा तो हमें दर्शन करके लौट ही लौटना है, इसलिए मेला को हम लोगों ने खुला रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, टाइमिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हादसा होने के कारण जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 2.5 से 3 गुना भीड़ अचानक आ गई और ट्रेन से भी काफ़ी संख्या में लोग आते चले गए और आने के बाद लोगों से सेल्फी लेना या लोगों का जो है फ़ोटो खींचने के लिए रुकना, लोगों का वीडियोग्राफी के लिए रुकना, ये सब मुख्य कारण था। दूसरा कि लोग थे लेकिन एक दूसरे का कई लोगों ने रेस्पेक्ट कम किया, जिस वजह से अच्छा ओवर माने क्राउडेड हो जाता है, जैसा बंजारी मोड़ से उठाइए और इतनी जगह भीड़ आने का क्या कारण था?
और इंजर्ड होने के बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया और